नमस्कार किसान भाई लोगन, हम हैं अंकित कुमार सिंह और आप लोगन देखा तनिजा किसान तक का खास कार्यक्रम खेती में काबा। आज खेती में काबा कार्यक्रम में आज बात हुई मानसून का लेके, काहे से कि मौसम विभाग के द्वारा एक शुभ संकेत मानसून का लेके मिल रहा बा। मौसम विभाग ने अनुमान लगेले बालन जा कि 3 से 4 दिन के बीच में राज्य में मानसून का बारिश शुरू हो जाई, यानी कि ऐसा जिस तरह की स्थिति बन रहा बा ओकरा अनुसार ये संभावना बा कि 17 से 18 जून के बीच राज्य में मानसून का बारिश शुरू हो जाई। और मौसम विभाग का जो रिपोर्ट भी बा या जो चीज देखल जाता लगातार ओकरा अनुसार जो बा अपना रिपोर्ट में जो उनका साप्ताहिक और वीकली कहल जाला पर डे वाला जो रिपोर्ट होला ओकरो में उनका जो बा कहीं ना कहीं 17 जून से लेकर 20 जून के बीच में राज्य को करीब करीब पूरे राज्य में बारिश का लेकर संभावना जारी कर गई बा कि एक दिन में बारिश हो सकेला। राज्य का अधिकांशता जिलन में बारिश हुई तो ओकरा साथ एक अनुमान बा कि राज्य में यानी कि जो मानसून का जो बात होखेला मानसून खातिर कि मानसून का बारिश कब हुई तो वो मानसून का लेके एक तरह का शुभ संकेत मिल गिल बा कि राज्य में बाद 17 से 18 जून के बीच में राज्य में मानसून का प्रवेश हो सकेला ऐसन संभावना देखल जा रहल बा। जे तरह का स्थिति बन रहल बा ओकरा अनुसार तो यानी कि किसानन खातिर काफी राहत भरी खबर बा, काहे से कि जौन किसान भाई लोगन धान का बिचड़ा लगा देले बालन जा और पानी का निर्भरता दूसरा पर बा, अपन खुद स्रोत नहीं खे पानी से पंप सेट या तमाम चीज नहीं खे, वो किसानन का अपन बीज का बचाव बहुत बड़ा चैलेंज हो गिल बा। तो वो किसान लोगन का भी काफी मदद की बारिश जोन हुई काफी मददगार साबित हुई और जैसे कि कहीं ना कहीं जो धान का बिजड़ा कहल जाला कि धान के खेती में सबसे बेहतर होला कि अगर बढ़िया से बिजड़ा अगर तैयार हो जाए नर्सरी तैयार हो जाए तबे धान का भी खेती अच्छा से हो सकेला, नहीं तो काफी दिक्कत आवेला। तो बस खबर ये बा किसान तक का खेती में काबा कार्यक्रम आज हम आप लोगों को बस यही स्पेशली बतावे खातिर ही है जा कि आज मतलब मानसून का बारिश का लेके जो किसान भाई लोग इंतजार कर रहा अंदर लंबे समय से वो इंतजार अब खत्म होके का उम्मीद बा, यानी कि जे तरह का स्थिति बन रहा बा वो स्थिति के अनुसार आवे वाला 3 से 4 दिन के अंदर बारिश हो सकेला। साथ ही साथ ये से कहल जाए लेकिन ए बार जे तरह से उम्मीदों रहेला कि 15 जून के बाद राज्य में मानसून का बारिश शुरू हो जाला, यानी मानसून का आवे का समय है बिहार में, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेला। तो यानी कि कहल जा सकेला कि 17 जून अब जिस तरह से मौसम विभाग जो अपन रिपोर्ट पर डे का देवला वो बतेले बा कि 17 से लेके 20 से 21 जून जो एगो तारीख बा ए बीच में राज्य का अधिकांशतः जिला में बारिश होके का संभावना व्यक्त कइल बा जारी भइल बा। तो ओकरा अनुसार ये उम्मीद बा कि आवे वाला समय में मतलब आवे वाला 2 से 3 दिन में बारिश राज्य में होके शुरू हुई और मानसून का बारिश शुरू हुई। काहे से कि जौन किशनगंज में एक थोड़ा सा देखे के पर मिलल बा भी मानसून का बारिश का लेके कि किशनगंज जौन बाटे किशनगंज पूर्णिया कटिहार अररिया कई ऐसा जिला बा जहां पर मौसम विभाग ने अभी आवे 2 से 3 घंटा में बारिश होके के लेके येलो अलर्ट भी घोषित कइले बा और कहीं ना कहीं उम्मीद बा कि किशनगंज में जौन बाटे बारिश का जौन बा टच कर दिले बा मानसून जोन बा किशनगंज में टच कर दिले बा। अब देखे के बा कि मानसून का जोन टच भइल बा लेकिन एक रफ्तार के तरह का बा का कुछ स्थिति बन रहल बा। अगर रफ्तार बढ़िया रही सब कुछ सही रही तो 2 से 3 दिन में राज्य का पूरा राज्य में मानसून का बारिश शुरू हो जाए। अगर कुछ स्थिति मानसून में बदलाव होता तो शायद मानसून में बारिश में थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकेला। अभी तक से मौसम विभाग कोनो निश्चित तारीख नहीं खन बतावले लेकिन एक तरह से अनुमान जरूर लगावल जाता है कि 17-18 के आसपास में राज्य में मानसून का बारिश शुरू हो जाए। और कहल जा सकेला कि अगर 3 से 4 साल कमी अगर बात कही जाए बीच में तो 3 से 4 साल में देखल गई बा कि 3 बार जो मानसून बा 4 में 3 बार 13 का और 1 दफा 12 जून का राज्य में प्रवेश कैले रहे। 4 साल का अगर हम बात कही जाए पिछला
तो मतलब इस तरह का स्थिति रहे। लेकिन अनादान 15 जून के बाद बारिश का ओखे का मानसून का लेके जो क्षेत्र का स्थिति बन रहा बा वो स्थिति के अनुसार ही अनुमान बा कि बारिश हुई 17-17 से या 18 जून से बारिश का लेके बारिश होके का संभावना भी जारी बा। तो एक माना जाता है कि 1 तारीख से मानसून का बारिश भी शुरू हो जाए। तो किसान भाई लोगन खेती बाड़ी की तैयारी शुरू कर दे जा। जे लोग अभी धान का बीजा नहीं खे डे वो धान का बीजा डाले शुरू कर दे उसका तैयारी कर देवे। काहे से कि बारिश हुई धान का बीजा अगर आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अगर डाल दले होगा खेत में तो आप खातिर बारिश काफी मददगार साबित होला। पौधा का अंकुरित होके जो बीज का अंकुरित होके में जो होला ओकरा में काफी मददगार साबित होला। तो कुल मिला जुला के ये बा कि लंबे समय से किसान भाई लोगन बारिश के इंतजार कर रहा था, मानसून का बारिश के इंतजार होते रहे। कहीं से खरीफ सीजन का जो धान का खेती होला वो बिना पानी का संभव नहीं होला। और अधिकांशतः बिहार में कई ऐसे बहुत कांशतः भाग बा जहाँ पे बारिश का पानी से ही धान का खेती होला, यानी कि मुख्य स्रोत जो होला धान बारिश ही होला। अभी भी ताल तलैया नदी तमाम जगह पानी का जलस्तर बहुत कम बा। बारिश हुईला से पानी का जलस्तर नदियन में पानी आई तो जलस्तर जो नीचे गिल बा ओहू में मदद मिली। तो कहल जा सकेला खेती ही नहीं मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा बचाव में या मानव जीवन का संरक्षित रखे में ये मानसून का बारिश काफी मददगार साबित हुई। तो यही उम्मीद से हम आप लोगों से बताओ तो बने के अनुरोध हो बा कि जो अगर आप लोग ताल तालाब तालाब बा या पोखरा बा तो साफ सफाई करी जा, चाहे कि कहे से कि बारिश का पानी अगर संग्रहित रही तो जो जलस्तर बा वो बनल रही, साथे साथ जरूरत हुई खेतों के सिंचाई में भी तो में मददगार साबित हुई। जो बारिश होके वाला बा बारिश का पानी व्यर्थ न जाए के बचावे की जरूरत बा ताहे कि आवे वाला समय में को उपयोग होके। और सबसे बड़ा बात है कि मानसून का लेके कहीं ना कहीं उम्मीद जाग गई बा। 17-18 के बाद से मानसून प्रवेश करी इस तरह का संभावना बा। और मौसम विभाग का भी अनुमान बा कि 3 से 4 दिन में 4 से 5 दिन में स्थिति बन रहा बा मानसून का लेके जो आवे का उम्मीद बा। तो ये खबर के साथ हमके दी जाए विदा। फिर मिलल जी कोनो नया खबर के लेके करंट खबर के लेके आप लोगों के बीच फिर से हमके जुड़ल जाए। तब तक के लिए दी जाए विदा। और किसान तक खास कार्यक्रम जो खेती में काबा है के देखल करी जा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करी जा। इस उम्मीद और इसी अनुरोध के साथ दी जाए विदा। नमस्कार।